नमस्कार प्रिय साथियों, गंगाराम राशि रत्न में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गंगाराम और आज आपके लिए लेकर के आया हूँ नेचुरल श्रीलंका का बहुत ही शानदार हाईएस्ट क्वालिटी रॉयल जो एक तरह से रत्न होते हैं, ये नीलम आपके सामने है। साथियों, ये काफ़ी महंगा नीलम है। इसकी खूबियाँ, इसके प्राइस, कितने कैरेट का पीस है, किन राशि एवं लगन वाले जातकों को नीलम पहनना चाहिए, नीलम पहनने की विधि, लाभ और उसके पहचान के विषय में बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथियों, यह जो नीलम आपके सामने स्क्रीन पर है, यह वेरीफाइव ऑफ कोरोंडम नो ट्रीटमेंट, भारत सरकार की लैब IGI GTL से सर्टिफाइड है। नीलम रत्न मेष, वृषभ, मिथुन, तुला, मकर, कुंभ राशि एवं लगन वाले जातकों को लाभ करता है। बाकी राशि वाले जातकों को नीलम रिसर्च का विषय है, योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर पहनना चाहिए। जहाँ तक इस नीलम का सवाल है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, साथियों इस पीस में इफ बट किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं है। कलर एकदम रॉयल है, कश्मीरी टच कलर है इसका, बहुत ही शानदार पीस है जिसकी कीमत है 30,000 रुपये पर कैरेट। भारी डिस्काउंट करने के बाद भी यह रत्न की कीमत है 3,20,000 रुपये। नीलम रत्न शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक शनि की होरा में धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले दूध, दही, घी, शहद और बूरा, इनको आपस में मिलाकर पंचामृत बना ले। पंचामृत में अंगूठी को डाल के मंत्र जाप करना है, ओम सम शनिश्चरायै नमः। यह मंत्र को कम से कम 1 माला या 11 माला जाप करके अंगूठी को मध्यमा बीच वाली उंगली में पहनना चाहिए। नीलम रत्न सोना, चांदी, पंच धातु और अष्ट धातु की अंगूठी में धारण किया जा सकता है। अगर स्वर्ण में, सोने में आप नीलम पहनते हैं तो उसमें छोटा सा भाग लोहे का ज़रूर लगवा लेना चाहिए। साथियों, इससे सस्ते या इससे महंगे रत्न खरीदने के लिए आप सीधे सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। रत्न पहनते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका रत्न टूटा फूटा ना हो, उसमें गड्ढा ना हो, स्क्रैच ना हो, दाग धब्बे ना हो, आउट कलर आपका स्टोन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दुष्परिणाम का सामना भी करना पड़ सकता है। कामना करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते रहेंगे ऐसी ही शानदार जानकारियों के साथ, अच्छे अच्छे और चमकदार रत्नों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।